हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूं विशाल का होस्ट, आपका दोस्त आयान, आ गया हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्वैत की 6 बड़ी अपडेट, तो वो कौन कौन सा अपडेट होगा सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। साथ ही साथ एक क्वैत फ्लाइट को लेकर अपडेट आ रहा है, तो वो क्या अपडेट होगा वो भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। और ओमिक्रॉन का जो वायरस है वो इंडिया और क्वैत के अंदर क्या अपडेट है इस पे वो भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए बात कहते हैं क्वैत की सबसे पहली अपडेट के बारे में। तो सबसे पहली अपडेट के अंदर यह है कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है, क्वैत के अंदर एक फ्रेश कैंपेन चलाया जा रहा है जो हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर चलाया जा रहा है। जैसे क्वैत ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो गया, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के डिपार्टमेंट पे हो गया, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर हो गया, मतलब क्वैत के अंदर जितना भी डिपार्टमेंट है सारे डिपार्टमेंट के अंदर फ्रेश कैंपेन को चलाया जा रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और मैंने आपको हर एक अपडेट दिया है फ्रेश कैंपेन के ऊपर। तो अब इसके अंदर एक नया अपडेट ये आ रहा है कि 1 नवंबर 2021 से लेके 30 नवंबर 2021 तक टोटल 2104 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है क्वैत से। मतलब ये लोग 2104 लोग जो थे वो क्वैत के अंदर किसी न किसी इल्लीगल काम के अंदर पकड़े गए थे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर क्वैत की तरफ से, और उनको कुछ दिन जेल में रखा गया था। उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया गया, मतलब एक महीना के अंदर 2104 लोगों को डिपोर्ट किया गया है क्वैत से। जो भी 2104 लोगों को डिपोर्ट किया गया है क्वैत से, जिसके अंदर 1421 मेल थे मतलब आदमी थे और 683 लेडीज थी मतलब फीमेल थी, तो टोटल मिला के 2104 लोगों को डिपोर्ट किया गया है क्वैत से जो किसी न किसी इलीगल काम के वजह से पकड़े गए थे क्वैत के अंदर। तो सबसे पहले मैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप क्वैत के अंदर किसी भी टाइप का इलीगल काम करते हैं या फिर किसी भी टाइप से इलीगल हैं, तो प्लीज आप कोशिश करें किसी न किसी तरीके से लीगल होने का और लीगल रहने का क्वैत के अंदर। नहीं तो अगर आप एक बार पकड़े जाते हैं तो आपको डिपोर्ट तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ क्वैत के अंदर आपको जिंदगी में लाइफ में कभी मौका नहीं मिलेगा आने का दोबारा। और साथ ही साथ आपको क्वैत के अलावा जितने भी गल्फ कंट्री है, जैसे दुबई, ओमान, बहरेन, जितना भी कंट्री है मतलब गल्फ के अंदर, उन सारे कंट्री के अंदर भी आप नहीं जा सकते हैं 5 साल के लिए। तो प्लीज आप किसी भी तरीके से इलीगल हैं तो आप लीगल होने का ट्राई करें। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वैत की दूसरी अपडेट के बारे में। तो दूसरी अपडेट के अंदर ये है GTD मतलब द जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट, इनके तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि अब जो भी क्वैत के अंदर ड्राइवर हैं, जैसा कि आप सबको मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो के अंदर बताया था कि मोबाइल क्वैत ID के अंदर जो उनका ड्राइविंग लाइसेंस है उसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैफिक के तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है, उसको अलाउ कर दिया गया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास कार्ड नहीं भी होगा फिर भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपके क्वैत मोबाइल ID के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस का सारा डिटेल रहेगा, तो आपको किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। ये चीज मैंने आपको 2 दिन पहले आपको मैं वीडियो के अंदर बताया था जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैफिक के तरफ से अपडेट आया था, लेकिन इसके अंदर अब एक नया अपडेट ये आ रहा है GTD के तरफ से, मतलब जनरल डिपार्टमेंट ट्रैफिक की तरफ से ये अपडेट आ रहा है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड अगर आपके पास नहीं रहता है, मतलब फिजिकल कार्ड जो होता है अगर वो नहीं रहता है, तो आपको 15 KD का फाइन मारा जाएगा। मतलब ये है कहने का कि आपके पास मोबाइल क्वैत ID के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस जो रहेगा वो तो रहना ही चाहिए, साथ ही साथ आपके पास आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड है वो भी आपके पास रहना चाहिए, तभी जाके आपको किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड नहीं रहेगा तो आपको 15 KD का फाइन भरना पड़ेगा। साथ ही साथ GTD ने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ड्राइविंग लाइसेंस को बनाया गया है उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो भी ड्राइवर है उनके पास उनका ड्राइविंग लाइसेंस जो फिजिकली ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड होता है वो भी रहना चाहिए। तो जो लोग क्वैत के अंदर रहते हैं उनको पता होगा कि हर 2 मिनट के अंदर में कानून चेंज हो जाता है क्वैत के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं क्वैत के अंदर तीसरी अपडेट के बारे में। तो तीसरी अपडेट के अंदर ये है कि क्वैत कैबिनेट की तरफ से और क्वैत गवर्नमेंट के अंदर से एक अपडेट आ रहा है। तो वो ये अपडेट आ रहा है कि जो भी लोग अभी क्वैत के अंदर हैं, चाहे वो सिटीजन हो या फिर एक्सपर्ट जो बाहर से काम करने के लिए आए हुए हैं क्वैत के अंदर, वो क्वैत को लीव ना करें, मतलब क्वैत को छोड़ के अभी नहीं जाए टेम्पररी, मतलब कुछ टाइम के लिए। जब ये ओमिक्रॉन का जितना भी मामला है सारा मामला अगर शांत हो जाता है, मतलब ये जो वायरस है ओमिक्रॉन वो खत्म हो जाता है, उसके बाद आप क्वैत को लीव करें, मतलब उसके बाद आप क्वैत को छोड़ के जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। मेरे तरफ से भी आप सब लोगों को एडवाइस है, जो भी क्वैत के अंदर रह रहे हैं वो प्लीज अभी क्वैत को लीव ना करें, क्वैत को छोड़ के अपने देश नहीं जाए, क्योंकि ये ऐसा सिचुएशन है कि अगर एक बार ओमिक्रॉन फैल गया चारों तरफ तो फिर क्वैत के अंदर जो बैन होगा सारा कुछ, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपको दोबारा क्वैत के अंदर आना। तो प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी क्वैत के अंदर रह रहे हैं अभी या फिर क्वैत के अलावा भी जितने भी अरब कंट्री के अंदर रह रहे हैं, उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी आप अपने देश ना जाए, अभी जहाँ पे आप हैं वहीं पे रुके, वहीं पे कुछ टाइम और एक्सपेंड करें, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए उसके बाद अपने कंट्री अपने देश वापस जाए। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वैत की चौथी अपडेट के बारे में। तो चौथी अपडेट के अंदर ये है, सबसे पहले आप सब लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताएं कि अगर आपका शादी कहीं पे लगाया जा रहा हो और बार बार अगर रिजेक्ट किया जा रहा हो वहां से, मतलब रिफ्यूज किया जा रहा हो आपको, या फिर आपको मना कर दिया जा रहा हो कि शादी नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे उसके
केस में। सबसे पहले आप मुझे इसका रिप्लाई कमेंट के अंदर जरूर दें। अब मैं आपको बताता हूँ, जो वीडियो के अंदर आपको क्लिप दिख रहा है, मतलब जो वीडियो दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, वो एक क्वैती सिटीजन है जो ड्राइवर है। इस क्वैती का जो शादी है वो 3 बार रिजेक्ट किया गया है, मतलब प्रपोजल ये लेके जा रहे थे लेकिन बार बार रिजेक्ट किया गया है, मतलब टोटल 3 बार रिजेक्ट किया गया था इनको, मतलब शादी से मना कर दिया गया था 3 बार इनको। तो जिस गाड़ी में ये ठोकर मार रहे वो उसी लड़की के जो पापा है उनका वो कार था, मतलब उन्हीं का गाड़ी था वो। तो ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा वायरल हुआ क्वैत के अंदर, और ये जो सिटीजन जो ड्राइवर था उसको पकड़ा गया क्वैत के अंदर। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वैत की 5वीं अपडेट के बारे में। तो 5वीं अपडेट के अंदर ये है कि क्वैत के अंदर आने वाला या फिर क्वैत से जाने वाला जितना भी फ्लाइट है सारे जगह के लिए, ये नहीं सिर्फ एशिया के लिए, मतलब यूरोप कंट्री के लिए भी अब नॉर्मल हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि फ्लाइट का जो रेट है बहुत हाई हो चुका है यूरोपियन कंट्री के अंदर, मतलब जो भी यूरोप कंट्री से क्वैत के अंदर आने वाले थे उन सारे फ्लाइट को महंगा कर दिया गया था बहुत ज्यादा। और साथ ही साथ जो क्वैत से जाने वाला जो फिलीपीन का फ्लाइट था जो अभी तक बहुत ज्यादा सबसे महंगा था, अभी उसको सस्ता कर दिया गया, मतलब वो भी फ्लाइट अब सस्ता हो गया है। बात करें अगर इंडिया से क्वैत जाने का जो फ्लाइट का रेट है वो 15,000 से लेके 20,000 तक है, और क्वैत से इंडिया जाने का जो फ्लाइट का रेट है वो भी 10,000 से लेके 20,000 के बीच में है। साथ ही साथ नेपाल का बता दूं, नेपाल का भी जितना भी फ्लाइट है वो 40,000 से लेके 60,000 नेपाली रुपीज तक का है। अगर आपका कोई एयरपोर्ट है जहां से आप क्वैत में आना चाहते हैं या फिर क्वैत से आप अपने एयरपोर्ट पे जाना चाहते हैं, जहां भी आपका एयरपोर्ट हो, तो आप कमेंट के नीचे अपना एयरपोर्ट या स्टेट का नाम जरूर बताएं। उस कमेंट के ऊपर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा कौन सा एयरलाइन और कौन से डेट को होगा जो सबसे सस्ता होगा आपके लिए। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वैत की 6 अपडेट के बारे में। ये जो अपडेट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, जो इंडिया के अंदर रहने वाले हैं उनके लिए भी और जो क्वैत के अंदर रहने वाले हैं उनके लिए भी। सबसे पहले बात करते हैं क्वैत के बारे में। तो क्वैत के अंदर जो भी फेक न्यूज फैलाने वाले हैं उनको तो पता नहीं क्या मिलता है ऊपर वाले से, क्योंकि एक सोशल मीडिया के अंदर एक फेक न्यूज फैलाया गया था कि क्वैत के अंदर ओमिक्रोन का जो वायरस है वो आ चुका है। इसी पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने आके एक कॉन्फ्रेंस किया, और कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि एक भी केस अभी ओमिक्रोन का नहीं है क्वैत के अंदर, तो ऐसा कोई भी टेंशन लेने वाली कोई भी ऐसा बात नहीं है और कोई भी बात नहीं है घबराने का। ये तो हो गया आपको क्वैत के बारे में। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया के अंदर आधा से ज्यादा चैनल पे पूरा दिन बस वायरस चलता है, और दूसरा इस स्टेट में वायरस पाया गया, उस स्टेट में वायरस पाया गया, मतलब किसी न किसी स्टेट का नाम लिए जा रहे हैं, खासकर कर्नाटका का। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर भी एक भी केस नहीं मिला है अभी तक किसी भी टाइप का ओमिक्रोन का। ये जो अपडेट है, इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर है जिनका नाम है मनसुख मंदिविया, इन्होंने राज्यसभा के अंदर सबको समझा के अच्छे से बताया कि फेक न्यूज पे भरोसा ना करें। अभी किसी भी टाइप का ओमिक्रोन जो वायरस है जो अफ्रीका के अंदर पाया गया है वो अभी तक इंडिया के अंदर एक भी केस नहीं मिला है, एक भी केस नहीं आया है अभी तक। और जो कर्नाटका के अंदर ज्यादा केस आ रहा है वो डेल्टा केस है, तो अभी तक ओमिक्रोन का केस न क्वैत के अंदर है और न इंडिया के अंदर है। लेकिन अभी तक जो 9 कंट्री के अंदर ओमिक्रोन फैला हुआ है, मतलब ओमिक्रोन का जो वायरस फैला हुआ है, उस कंट्री को इंडिया ने अभी तक बैन नहीं किया है। तो आपका क्या राय है इस पे, अपना राय जरूर दे कि क्या इंडिया को बैन करना चाहिए 9 कंट्री को जहां पे ओमिक्रोन का जो वायरस है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है अफ्रीका के अंदर। ओके, तो आप लोगों के लिए एक बोनस अपडेट ये है कि जो भी लोग इम्यून आईडी लॉगिन कर रखे हैं पहले से या जिनका लॉगिन करना है अभी, तो इम्यून आईडी प्ले स्टोर के अंदर अपडेट होके आ गया हुआ है, तो जाके आप प्ले स्टोर के अंदर अपडेट जरूर कर ले वीडियो देखने के बाद। और जो भी मैंने आपको वीडियो के अंदर में क्वेश्चन किया है उसका आंसर आप कमेंट के नीचे जरूर दें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि क्वेस्ट रिलेटेड जितना भी अपडेट्स होता है सबसे पहले मिलता है आपको। तो मैं मिलूंगा फिर से आपके साथ एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं हूं अयान और आप देख रहे हैं क्वेस्ट जो अपडेट। थैंक यू।